उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, फसलों की पौष्टिकता और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है कि प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं में से जैविक खेती करने वाले किसानों को 10% अधिक सब्सिडी दी जाएगी। पहले 1-2% भूभाग में ही जो है जैविक कृषि होती थी, आज 34% भूभाग जैविक कृषि की जा रही है। आने वाले समय में 6400 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि की कार्य योजना को स्वीकृत किया जा चुका है। हमारी सरकार कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले राज्य के युवाओं को अनेक योजनाओं के माध्यम से उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके सहयोग के लिए जुड़ी हुई है। यही नहीं, राज्य के किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को जैविक खेती और जैविक खाद बनाने के तरीकों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना चलाई है, जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ गैप फंडिंग भी की जा रही है। इसी के साथ प्रदेश की 6,400 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती से दोबारा जीवित किया जाएगा। प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक कृषि के लिए उपयोग में लाया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब उत्तराखंड में जैविक खेती की राह हुई आसान, उन्नत कृषि और समृद्ध किसान।